वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 3। तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एच कॉमन लेंगे, एच माइनस 5, यहाँ से कॉमन होगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एच माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं एच माइनस 5। ठीक है, तो यहां से क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा x और यहां से बचा 2। तो एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है, या तो पहला 0 हो या तो दूसरा 0 हो। तो अगर एच माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, 5। या फिर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, जिसको पुट करने पे इक्वेशंस का वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, तो या तो 5 होगा या तो माइनस 2 होगा। तो आप लिख सकते हैं आइदर 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें रूट पूछ रहा है तो रूट क्या हुआ, 5 और 2, हेंस द रूट। रूट क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसको इक्वेशंस में रखने पर रिजल्ट 0 आ जाए, तो उसी को हम रूट बोलते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या है, 5 है और माइनस 2 है। तो ऐसा लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। ओके, चलिए क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि इसका भी फाइंड करना है रूट, लेकिन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, 6 इंटू 2 12, यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, माइनस 12, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे x आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, प्लस 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 माइनस 12, यहां से जो कॉमन होगा क्या होगा, 2x, तो 2x कॉमन हुआ तो यहां ले बचा x, यहां से बचा 2, यहां से अगर कॉमन लेते हैं माइनस 3 तो यहां से बचा x, यहां से बचा 2, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचा 2x, यहां से बचा माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 को अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2। अब 2x माइनस 3 को अगर 0 रखते हैं तो 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू आएगा 3/2, यानी x का यहां दो वैल्यू आ गया, एक आया माइनस 2 और दूसरा आया 3/2। तो यही दोनों रूट हुआ। तो बोल सकते हैं कि हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन The roots of given quadratic equations is minus 2 and 3/2. Okay? Clear है? तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा को है रूट टू एच स्क्वायर प्लस सेवन एच प्लस फाइव रूट टू। इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे रूट टू में फाइव रूट टू से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, चेक कर लो, फाइव टू जा टेन, यानी कि प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए क्या, टेन आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे सेवन आना चाहिए। क्लियर है? तो देख लो रूट टू एच स्क्वायर फाइव प्लस टू सेवन हो गया, फाइव टू जा टेन हो गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो यहां पे क्या बचा रूट टू बचा, और एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिए तो x बचा, यहां से x कॉमन ले लिए ये बच गया फाइव। ओके, और इस कंडीशन में यहां से रूट टू कॉमन लेते हैं, तो रूट टू इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा रूट टू और x, और यहां से रूट टू ले लेंगे तो ये बचेगा फाइव। ठीक है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक रूट टू कॉमन ले लिया तो दूसरा रूट टू बच गया, यही चीज यहां हुआ है। यहां देखेंगे रूट टू एक्स प्लस फाइव कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में है, तो यहां से बचा x और यहां से बचा रूट टू इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस फाइव, और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू, या फिर एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस रूट टू। तो यहाँ पे एक्स के दो वैल्यू आ गए, एक आया माइनस फाइव बाई रूट टू और दूसरा आया माइनस रूट टू। ठीक है, हमें पूछा है कि रूट, तो ये दोनों ही रूट हो गए, तो लिख सकते हैं कि हेंस द रूट ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस फाइव बाई रूट टू एंड माइनस रूट टू। आंसर, तो हमारे पास रूट पूछ रहा था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यही दो रूट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो यहां पर भी रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहां दो तरीका है, या तो आप चाहें तो इसको आज इजी तौर पे सॉल्व कर ले। सॉल्व कैसे करेंगे, एट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर एट से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इधर भी और इधर ही, एट से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि जो फ्रैक्शन है वो हट जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इधर से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा, या फिर आप एलसीएम लेके सिंपल बना सकते थे। तो ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। वन इंटू सिक्सटीन क्या होगा, सिक्सटीन होगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे सिक्सटीन आना चाहिए, लेकिन एड सब्ट्रैक्ट करने पे एट आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस फोर इंटू माइनस फोर इक्वल टू सिक्सटीन, तो ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस वन, और यहाँ से कॉमन लिए माइनस वन, तो ये हो गया 4x, क्योंकि माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 4x, ये प्लस है माइनस कॉमन लिए तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें सेम लाना होता है ताकि फैक्टर लिया जा सके, कॉमन लिया जा सके, सॉरी। तो 4x माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहाँ ले क्या बचा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 4x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन बाई फोर। सेम प्रोसेस इधर भी है क्योंकि दोनों डाटा सेम है, x इक्वल टू वन बाई फोर। एक्स का दो वैल्यू आया लेकिन दोनों वैल्यू सेम आया, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही दो वैल्यू आएगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि दोनों वैल्यू आया तो दो वैल्यू जरूर है लेकिन दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो बोल सकते हैं कि हेंस रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या है? 1/4 है, 1/4 है, दोनों दो रूट तो आए दोनों, लेकिन सेम आया, इक्वल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, ये भी सेम है, इसमें भी हमें रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, टी 100x² - 20x + 1 = 0। 1 में 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस करने पे -20 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि 100x² - 10x और -10x - 20x, ओके, और -20x आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करो 10 × 10 100, तो 10x अगर कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 -1 10x - 1 = 0। 10x - 1 कॉमन ले लो तो यहां से क्या आएगा, 10x - 1, क्योंकि 10x - 1 ये कॉमन ले लिए हैं तो ये यहां आ गया, यहां से बचा क्या 10x, और यहां से 10x - 1 कॉमन ले लिए तो यहां ले क्या बचा -1, ओके। तो 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। सेकेंड क्या है, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, ओके। तो ये दो वैल्यू आ गए हमारे पास, तो ये दोनों रूट हैं, तो लिख सकते हैं, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/10 एंड 1/10। तो दोनों कंडीशन में इक्वल आया है, दोनों कंडीशन में 1/10 आया, ओके, समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, ठीक है, यहां पर भी सिर्फ सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है, ओके। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव ए 45 मार्बल्स, जॉन और जानवी के पास 45 मार्बल्स है, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। दोनों जो हैं 5 मार्बल खो देते हैं, ओके, उसके बाद भी उसके पास दोनों, जितने दोनों के पास मार्बल बचे हुए हैं उसका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, हमें ये बताना है कि दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे। तो क्वेश्चन समझ में आ गई, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आंसर कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जॉन और जानवी के पास शुरू में मार्बल कितने थे। मान लेते हैं दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है, जॉन और जानवी दोनों के पास, ठीक है। तो लेट्स टू बी जॉन हैव एक्स मार्बल, ठीक है, एंड जानवी हैव 45 - x मार्बल। ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास अगर 45 मार्बल है, ठीक है, जॉन और जानवी दोनों के पास 45 मार्बल है, तो जॉन के पास एक्स है तो बचा हुआ जानवी के पास है, 45 में से एक्स माइनस कर दी, ये जानवी के पास है, ठीक है। तो बोथ जो है क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल लॉस कर दे रहे हैं,
तो बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles. ओके, देन अब जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे? एक्स माइनस फाइव. एंड जानवी के पास कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स, पहले था 5 और लॉस कर दिए. ओके, तो 40 माइनस एक्स ये अभी बचा है उसके पास. तो बोला क्या है कि एक क्वेश्चंस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो प्रोडक्ट, अब जो बचा हुआ मार्बल है इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है. तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स माइनस फाइव और 40 माइनस एक्स, यही होगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है 124, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. क्या आया? 40x² - 200 - x² + 5x. क्लियर है? ओके, तो हमारे पास क्या आया था? 40x. ओके, तो यहां पे सॉल्व करेंगे, सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर आएंगे, या तो इधर लेके आओ. तो ये आया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो इधर प्लस हो गया. ये 45x है तो ये -45x हो गया. ठीक है, 40 + 5x = 45x. ये इधर आके प्लस हो गया, तो 124 + 200 यानी 324 + 200 = 324 = 0. तो हमारे पास ये कंडीशन आया, और इसको सॉल्व कर देंगे. जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 324 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर 55 आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको फैक्टर कर रहे हैं, 36x - 9x + 324 = 0, है ना? एच कॉमन लेंगे, यहां -9 कॉमन लिए, तो ये बचा एक्स -36 = 0. तो एक्स माइनस 36 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 9 = 0. तो ये कंडीशन आ गया, इनटू एक्स माइनस 9 = 0. और एक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या आया? x = 36 या x = 9, दो वैल्यू आया. x = 6 आया x = 9 आया. अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जानवी के पास 9 है. अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जानवी के पास 36 है. तो आंसर तो यही हो गया. ओके, तो बोल सकते हैं जॉन हैव 36 मार्बल. ठीक है, देन जानवी हैव 9 मार्बल. ओके, दूसरी कंडीशन में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ जॉन हैव 9 मार्बल एंड जानवी हैव 36 मार्बल. ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर ऑफ टॉय इन डे. ए कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कुछ टॉय प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दिन में, एक दिन में. लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक टॉय का, ईच टॉय का, ऐसा पाया गया कि जितना
प्रोड्यूस होता है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दे। तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है, 55 में से माइनस कर देंगे जितना प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो 10 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 45 रुपीज। अगर 20 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टॉय का कॉस्ट क्या आया, 35 रुपीज। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 में से माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, वही एक टॉय का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑन पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है। ऐसा एक दिन हुआ कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है 750 लग गया। तो आपको बताना है कि उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था। तो मान लेते हैं कि एच टॉय प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, लेट्स द नंबर, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं, लेट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स, ओके, देन कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ऑफ ईच टॉय। तो ईच टॉय प्रोड्यूस हुआ तो 55 माइनस एक्स, ठीक है, ऑन डेट डे कितना हो गया, 55 माइनस एक्स, ओके, जैसा कि क्वेश्चन बोला। तो अगर देखा जाए, ऐसे लिख भी सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, एक टॉय की प्राइस जो है 55 माइनस एक्स है, ओके, और हमने कितना टॉय बनाया है, एच टॉय बनाया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जबकि टोटल कॉस्ट आया है 750, प्रोडक्ट करो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए, लेकिन एज सेपरेट करने पे आना चाहिए 55, ठीक है। तो करते हैं, एच स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 55 हो गया, मल्टीप्लाई करो 750 भी हो गया, इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या आया, एच माइनस 30, ओके, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस 25, तो ये भी आ गया एच माइनस 30 इक्वल टू जीरो, और एच माइनस 30 हमने कॉमन लिया तो आया एच माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो एच माइनस 30 इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू 30, और एच माइनस 25 इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू 25। तो x के दो वैल्यू आए, कितना आया, 30 एंड 25। तो या तो उस दिन इतना प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, 30, तो प्राइस हो जाएगा 25, समझ रहे, 30 प्रोड्यूस होगा तो प्राइस हो जाएगा 25, या 25 प्रोड्यूस हुआ होगा तो प्राइस हो जाएगा 30, ठीक है। तो हमें तो पूछा है कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर बताना है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है नहीं, ओके, कोई भी दो नंबर। तो मान लेते हैं कि लेट्स द फर्स्ट नंबर
लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स देन अनदर नंबर विल बी ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है 27 है, एक एक्स होगा तो माइनस कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर देखा जाए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसका, ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स और कौन सा है 27 माइनस एक्स, इसका जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 182। तो 182 इज इक्वल टू 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इसको अब फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर सकते हैं कि माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182, क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस 27 मल्टीप्लाई कीजिए 182, ठीक है, सॉल्व करो, एक्स माइनस 14, ठीक है, 13 कॉमन लिए, एक्स माइनस 14 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल माइनस एक्स इक्वल टू 14 रख लो, एक्स इक्वल टू 13 आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 14 इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए, इसलिए एच एच इक्वल टू 14 और एच माइनस 13 इक्वल टू जीरो, इसलिए एच इक्वल टू 13। ओके, जैसे कि पहले के इक्वेशन में अपन करते आए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आर 13 एंड 14। ओके, ये दो नंबर है, इनका सम जो है वो कितना आ रहा है 27, और जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 182। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ऐसे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। कॉन्सिक्यूटिव तो समझते ही होंगे, ऐसी संख्या जो लगातार हो, ठीक है। तो मान लो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेकर आते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर का सम है जो 365 है, तो पहला मान लो x है, लेट्स द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, कौन कौन होगा, एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है, वही भी लगातार दो ले सकते थे, और एक्स और एक्स माइनस वन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लगातार ही है, और इनके स्क्वायर का सम, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, स्क्वायर का सम, स्क्वायर तो पहले का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे, और इनका जो सम है 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू 365। ओके, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365 इक्वल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 इक्वल टू जीरो, ये कहानी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे चाहे तो टू कॉमन हो सकता है, और टू कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आएगा, 182 इक्वल टू जीरो, और ये इधर प्रोडक्ट है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा मल्टीप्लाई में, इधर है इधर डिवाइड में हो गया, तो टू जीरो को टू से डिवाइड करेंगे जीरो ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
तो ये भी सेम हो गया पहले की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस था, तो प्लस होने के कारण ये कितना था, 27 था, तो इसका भी प्रोडक्ट सेम होगा, प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, 14x माइनस 13x, क्लियर हो गई पॉइंट। मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ ही जाएगा। तो x प्लस 14 एंड 13, h प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो h प्लस 14 कॉमन लेते हैं, h माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो h प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू माइनस 14, एंड h माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन h इज इक्वल टू 13। तो हमें क्या पूछा है, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स h इज इक्वल टू 13 और h प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 14। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, 13 एंड 14, ओके। तो अपन लिख सकते हैं कि हेंस द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड 14, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बिना देर किए। तो यहां क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है, जो एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द टू साइड, दोनों लेंथ बेस और एल्टीट्यूड बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं लेट्स द बेस, लेट्स द बेस, ओके, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बी एक्स। तो एल्टीट्यूड जो है बेस पे डिपेंडेबल है, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल विल बी इट्स माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्वेश्चन से हाइपोटेनस हमारे दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं। ओके, तो अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास x है और परपेंडिकुलर कितना है h माइनस 7 है, ओके,
रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h, ओके। तो 169 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यस। तो 2h स्क्वायर प्लस 14h, सॉरी सॉरी माइनस 14h, माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, 2h स्क्वायर ठीक है माइनस 14h, अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 120, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, 7h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया h स्क्वायर माइनस 7h माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ओके। तो h स्क्वायर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आएगा, ठीक है 12x प्लस 5h, ठीक है 7x हो गया माइनस 12h प्लस 5h माइनस 7h, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 12, 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। तो x माइनस 12 यहाँ आ गया और कॉमन लेंगे तो यहाँ ले बचेगा क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5, ओके। तो हमारे पास जो बेस है वो क्या है, x है। तो बेस क्या आ गया, x इज इक्वल टू 12, और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड जो है ठीक है वो इससे कितना कम है देख सकते हैं, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, ओके। तो एल्टीट्यूड 5 बेस 12, यही पूछ रहा था, सॉल्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का, तो चलिए देखते हैं। ये भी एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो प्रोड्यूस करता है सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। सेम क्वेश्चन है, इस तरह की पहले भी क्वेश्चंस किए हैं अपन, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, प्रोड्यूस क्या करता है, आर्टिकल्स, पोल्ट्री आर्टिकल्स इन दे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट पार्टिकुलर दे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसका कॉस्ट है जो आर्टिकल का, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो जितना उसका आर्टिकल का प्रोडक्शन है उसके दोगुने से 3 ज्यादा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ठीक है, उन्होंने टोटल कॉस्ट देखा एक दिन का 90 था उस दिन, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। दो चीजें बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताना है कितना आर्टिकल्स उन्होंने उस दिन प्रोड्यूस किया, और प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट बताना है। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए आते हैं देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए लिखते हैं, तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स उस दिन एक्स प्रोड्यूस हुआ, ओके। द टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स
प्रोड्यूस इन ए डे, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसको क्या बोला है, यहां पे दो कंडीशन बनता है, ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, या तो ऐसे बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 90 रुपीज का, ठीक है, और 90 रुपीज का टोटल प्रोडक्शन हुआ, ये समझो पहले कि 90 रुपीज का टोटल प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ एक्स, तो एक का प्रोडक्शन रेट क्या होगा 90/x, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, ठीक है। तो अगर बात करेंगे, सॉरी ईच डे नहीं, ईच आर्टिकल्स, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे ईच आर्टिकल्स, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स बोल सकते हैं 90/x, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज का हुआ, ठीक है, और x हुआ, तो ये x का प्राइस 90 है, तो एक का प्राइस को निकाल नहीं सकते, यानी ये x का कॉस्ट 90 है, तो एक का कॉस्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एक बात और बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट उस दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल्स वो कितना है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि दोगुने से 3 ज्यादा है। तो मान लो x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोगुना 2x+3 इन्हा, ठीक है, ये आर्टिकल का कॉस्ट है। और दूसरे तरीका से फाइंड आउट किए तो आर्टिकल का कॉस्ट ये आया, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट तो इक्वल ही होगा, तो 90/x इक्वल टू 2x+3 अपन लिख सकते हैं, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x, ठीक है। अगर 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है, 180 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और सेपरेट करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2x² + 15x - 12x, 3 आया, मल्टीप्लाई करो 180 आ जाएगा, = 0, ओके। तो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 15, ओके। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6, तो ये भी 2x बचेगा, और ये भी बचेगा 15 = 0, ओके। तो 2x + 15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 6 = 0, तो 2x + 15 = 0, देन 2x = -15 एंड x = -15/2। और दूसरी कंडीशन में देखेंगे x - 6 = 0, तो x = 6, ठीक है। तो यहां पे उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यानी x आर्टिकल बोले तो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या है, ठीक है, दोगुने से 3 ज्यादा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन डे 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 2x दोगुने ले 3 ज्यादा, यानी 12 + 3 = 15, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया 15, नंबर ऑफ आर्टिकल 6। तो ये दोनों को चीज पूछ रहा था। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।